गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका हरियाणी स्वैग व्लॉग्स में स्वागत है। तो अभी बजे हुए हैं सुबह के 10 और हम जा रहे हैं अपना रेगुलर चेकअप कराने, जो हम कराते रहते हैं टाइम टू टाइम। ऑब्वियस है, आप सबको भी कराना चाहिए, क्योंकि जब से कोविड हुआ है उसके बाद से एक तो होता है ना डर या ये चीज़ें, तो हम कराते रहते हैं रेगुलर चेकअप, तो उसी के लिए जा रहे हैं। अब देखते हैं, ऊपर से इतना वेट लूज हुआ तो उसमें तो हाँ, भी होता है। सबसे बड़ी बात है वेट लूज भी हुआ तो आपका ये नहीं होता खाली फैट ही जाता है बॉडी से, उसके साथ प्रोटीन या जो भी विटामिन होते हैं वो भी निकलते हैं। तो इस सब का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और इनका तो वैसे ही 40 kg कम हुआ है, तो इनको ज़्यादा है अभी एक बार दिखाने के लिए कि क्या क्या चीज़ें, कुछ कम है तो उसके सप्लीमेंट्स या फिर फ्रूट्स या जो भी है स्टार्ट करेंगे फिर उसी के हिसाब से। तो अभी वहीं जा रहे हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है, तो मिलते हैं वहाँ से चेकअप कराने। गाइज, अभी हमें हमारी गाड़ी के सामने इतना बड़ा सांप आया और वो साइड से निकल गया। खैर हम वीडियो नहीं बना पाए उसकी, क्योंकि वो इन जैसी ग्रीन ये है ना घास से इनमें जाके छुप गया। हमने रोक के देखा भी बट वो जा चुका था, कम से कम 3-4 feet का होगा। हाँ, बहुत बड़ा था यार, बहुत पूरा ब्लैक और ब्राउन था ना, ब्लैक और ग्रीन सा था है ना, थोड़ा अलग सा उसका एक शाइन वाला सा कलर था। मतलब जैसे हमारी गाड़ी गई और उसके साइड से निकला बिल्कुल, भाई साहब कितनी जल्दी चल रहा था, उसके पीछे कौआ जा रहा था तो घासों में जाके छुप गया, नहीं तो हम वीडियो में जरूर लेते हैं। ये इनको भी यार अब जंगल, बारिश हो रही है ना एक तो, हाँ बारिश हो रही है और इनकी जगह भी तो कम हो गई ना यार, ये रोडों पे गाड़ियां भी कहते हैं क्या चल रहा है ये, कहाँ से निकलूं मैं, क्या जा रही है चीजें इतनी जल्दी जल्दी। इनके जहर का भी असर नहीं पड़ता, वो बेचारे टायरों पे तो काटते होंगे। हाँ बारिश भी है तो अभी ये चीजें तो देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे जंगल भी है साइड में ना बहुत बड़ा, तो इस वजह से बाहर आग की तरफ आ जाते होंगे, पानी बढ़ जाता है तो बाहर निकलते हैं। और अब बारिश वैसे भी एक हफ्ता बोल रहे, खैर आज लग नहीं रहा मुझे, होगी या होगी अब क्या पता। और ये देखिए नींबू, हमने वो गए थे ना हम घूमने, बता रही थी मैं आपको, दिखा रही थी पेड़ वहाँ पे, तो वहाँ एक नींबू मिला था हमें, तो ये बिल्कुल संभाल के रखा हुआ है हमने हाँ देखते हैं घर जाके कि कैसा है तो बस अब पहुँचने वाले हैं, तो मिलते हैं आपसे चेकअप कराने के बाद। तो दोस्तों फाइनली हमारा टेस्ट हो चुका है, और सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया था, खाली पेट ही होते हैं टेस्ट खाली एक्चुअली। और बाहर निकले तो मौसम इतना बढ़िया, मैं आपको दिखाती हूँ अभी, देखिए क्या बढ़िया मौसम हो रखा है, बारिश आएगी है ना अब तो, मुझे पक्का हो गया 6 दिन होनी है बारिश अभी तो। सही है यार, हो जाए, मुझे तो बड़े पसंद है बारिश, मुझे बहुत पसंद है बारिश। शाम को वॉक करते फिर रोते क्यों, तो गर्मी में जाती है ना वो तो देखो भाई घुटन वो होती है उसमें ना, चुभन होती है, बारिश थोड़ी हो रही होती है, बारिश रुक चुकी होती है बप। क्या बप तो बस अब जाएंगे कुछ खाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद पहले हम उस सांप को ढूंढेंगे। हाँ यार एक बार वो सांप देखते हैं, अगर दिखता है तो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को भी, दिखा पाए ना दिखा पाए मगर अपने लिए तो देखेंगे एक बार। हाँ वो तो घुस गया होगा यार, ये देखिए पीछे यहाँ पे ग्रीनरी पूरा इसी में चला गया होगा बेचारा, उसका भी घर होगा यहाँ, छुपा होगा बेचारा, धूप लेने आते हैं बेसिकली। अभी सबसे ज्यादा आपको इनकी खाल उतरी मिलेगी जंगलों में, सही में उतरी मिलती है, कैसे नहीं कैसे मतलब ऐसे कलर वाली होती है, बिल्कुल वैसे उतर जाते हैं, कलर वाली नहीं ट्रांसपेरेंट होती है शाइनिंग के साथ, बिल्कुल उतार देते पूरा सांप की, पूरे सांप की साइज होगा, सही होती है। अभी वहाँ शामली अगर गए भाई, ये देखिए किसी का एक्सीडेंट हो रखा है, गाड़ी देखिए पूरी कैसे यार खत्म ही हो गई गाड़ी तो, पलट गई है भी हुआ है। हाँ वैगनर है ना, हाँ ये भी हुआ है, इसपे टक्कर मारी है इसने, हाँ डिवाइडर पर। यार आप लोग भी सेफली चलाई करिए गाड़ी, कुछ नहीं है, 5-10 minutes आधा घंटा लेट हो जाएंगे ना, कुछ नहीं है बट बच गए मगर। कल भी तो रखी थी, कल रात को भी हमने देखा था ट्रक के नीचे ना स्कूटी थी पूरी, मतलब ऐसा था कि पूरी स्कूटी पे पता नहीं वो बंदा बचा नहीं बचा, भगवान करे बची गया हो, बट पता नहीं बहुत बुरा वो भी एक्सीडेंट था। तो जितना ओके हो सके आप भी सेफली गाड़ी चलाइए, कोई बात नहीं लेट हो जाए वो चलता है बट आराम से। हाँ 40 की स्पीड से चलाओ यार, सबसे गंदा रिस्क होता है हाईवे पे। हाँ और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों को जल्दी पहुंचने की, कहाँ जल्दी पहुंचना मुझे तो समझ नहीं आता, ठीक है 5-10 minutes आधा घंटा एक घंटा लेट हो जाए। हाँ मैं ऑफिस वालों का देखती हूँ कि वो टूर पे भी जाते हैं जो, हाँ
जाते हैं कि उनको एक एक अंदर क्रेज होता है कि मैं कितने घंटे में यहाँ से वहाँ 200 किलोमीटर चलाते हूँ। कोई अवार्ड तो देने वाला नहीं आपको, कोई कुछ नहीं, एक बचपना भी नहीं कहूंगी, पागलपन कहूंगी मैं फूलों की। वो लिखा भी तो होता है ना आजकल वो हाईवे पे कि सेफली जाइए आपके घर पे, आपके बीवी बच्चे इंतजार कर रहे हैं आपका। तो ये सही भी है भाई, आराम से जाइए, सुकून से देखते नजारे, घर जाके रोटियां खानी है, दूसरों को पूड़ियां खिलानी है, जो हिसाब की है। आजकल वो अभी तो रहा है कि वो आपके मरने पे दोस्त क्या कहेंगे, तो दोस्त कहेंगे आलू वो पूरी गर्म नहीं है, सब्जी गर्म नहीं है, हलवा नहीं है, है ना। यार कोई किसी का नहीं होता, तो अपना ध्यान खुद रखिए, खुद की सेफ्टी आपके हाथ में है। कोविड ने तो सिखाया होगा आप सबको, कोविड ने तो बहुत कुछ सिखाया है। कोविड ने अपना ध्यान रखना सिखा दिया था, फैमिली साइड कर दी थी सबने। हाँ, किसी को कोविड होता था, कोई हो है जो कहे कि नहीं मैं भी अपने इसके साथ में कोविड लूंगा। हाँ, अकेले कोविड नहीं झेलने दूंगा। हाँ, उसको कमरे में बंद कर दिया, अलग रखा कि हमारे ना हो जाए, तो ये चीज होती है। तो आप अपना ध्यान खुद रखिए, कोई दूसरा नहीं रखने वाला। तो बस ये आज का ज्ञान है जो हमने बांट दिया, तो हम मिलते हैं थोड़ी देर में घर जाके। तो फाइनली हम घर वापस आ चुके हैं, अब बना रही चावल। तो हम बॉईल करके बनाते हैं, मतलब वो कुकर में होता ना छोक लगा के, वो वाला नहीं बनाते। तो बस उसके लिए चावल निकाल रही हूँ, पानी में धोऊंगी, बन जाएंगे हमारे उबले हुए चावल जो हम खाते हैं। खैर मुझे पहले पसंद नहीं थे बिल्कुल भी, बट अब अच्छे लगते हैं। साफ कर देते हैं और उसके बाद चावल बनाते हैं। दाल मैंने बना ली थी, दाल के साथ चावल, हमारे गर्मी में चावल ही बन जाता है क्योंकि मुझे बहुत मतलब बहुत 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 पसंद है इसलिए भी, और गर्मी में रोटी खाई जाती है, मुझे चावल ही पसंद है। चावल खाएंगे फिर चलते हैं आपको पसंद है चावल बनाने के बाद। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं अपनी इवनिंग वॉक के लिए, और आप भी देख रहे हो मैं सूट पहन के आई हूँ आज, क्योंकि हमें कुछ रील्स बनानी थी जो इंस्टाग्राम के लिए कॉमेडी वाली। ट्राउजर पहन के हाँ, ये भी जीन्स ट्राउजर है क्योंकि हमें रील्स बनानी थी आज घर पे, हमने एक दो ही बना पाए, कुछ काम था हमें तो उसी में बिजी थे। तो अब देख रहे हैं यार, पर समझ नहीं आ रहा कैसे बनाएं, बाहर का भी कुछ आइडिया नहीं, हम ज़्यादा बाहर बनाते नहीं, आपने भी देखा होगा हम ज़्यादातर घर पर ही बनाते हैं। हम शर्मीले लोग हैं ना बहुत बहुत शर्माते हैं। हाँ, हम बहुत, ये तो सब शर्म, इनकी रील्स देखना, ये बहुत शर्माते हैं, मेरे से ज्यादा शर्माते हैं। शर्म हमारे लाज क्या बोलते हैं, गहना है। मुझे भी घूंघट कर लेना चाहिए। वैसे घूंघट कराया था साथ तुमने मेरा, इसलिए हम बाहर बना नहीं सकते यार। अभी देख रहे हैं, अगर बन गई ना एक दो तो बनाएंगे, बट अभी चल रहे हैं, अभी वॉक ही कर लेते हैं। वो कौन सा तुमसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, धमका नहीं रही बता रही हूँ। तो चलिए, बन पाएगी तो ठीक है, नहीं तो घर जाके बनाएंगे। हाँ यार, बन पाएगी तो ठीक है, नहीं तो घर जाके बनाएंगे। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा वैसे, बट देखते हैं चलते चलते कुछ बन गई तो, अगर बनी तो भी दिखाते हैं। नहीं बनने वाली भाई, सब मैं बता रहा हूँ। क्यों, ये डींगा आखिरी है, कुछ नहीं करने वाली। अच्छा, ये अपनी इसने इसकी अपनी खुद की दुनिया है जो अपने आप में बात कर रही है कि मैं बनाऊंगी यार, वैसे वीडियो तो बनवाऊंगी। मैं दुपट्टा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, देखिए मेरा लाल दुपट्टा। तुम वैसे नॉर्मल एक रील बना लोगे, कॉमेडी की नहीं बनने वाली। कॉमेडी की एक तो बनाऊंगी अब, वो तो जिद वाली बात आ गई ना, जिद वाली बात की आई है। अच्छा, अगर तुम नहीं जिद करते तो नहीं बनती। नहीं जिद थोड़ी कर रही हूं मैं, तो वैसे कह रही कि एक बनाने का ट्राई तो करेंगे, बाहर तो करना पड़ेगा ना ट्राई। कुछ नहीं करने वाली भाई साहब, हमने बता दिया, लेने का फंडा हाँ, है। तो ये मुझे मुझसे लोगों की ना एक मेंटालिटी होती है, उनकी अपनी दुनिया होती है, एक पृथ्वी है और उनके दिमाग में अलग पृथ्वी चलती है। वो सोचते हैं कि हम ही संसार है, हम जो बात कर रहे हैं हमारे ही संसार में हमारी बात हो रही है। हाँ ये होता तो है, ये बहुत लोग है ऐसे, उनके संसार जो मैं वो उनमें से एक ही है जो ये सोच रही है मैं रील बनाऊंगी, और अंदर ही अंदर इसे सोच लिया मैं ऐसी रील बनाऊंगी, भयंकर रिस्पॉन्स आ जाएगा उसके। रिस्पॉन्स आना वही है जो रोज आ रहा है। अरे आते क्या, तो इनकी बकवास से यहीं पे रोकते हैं, हम चलते हैं आगे, ये ऐसे ही बकवास करते रहेंगे, आप इनकी बकवास से सुनते रहिए और हमें सुनते रहिए। तो मिलते थोड़ी देर में। तो फाइनली हम घर आ गए हैं घूम के, बिना रील बनाए जो मैंने बोला था कि कॉमेडी की कोई रील नहीं बनने वाली, कहते दुनिया संसार अलग है
ये वो संसार लेके घूमते हैं जिस संसार में आप नहीं रहते हो, आप रहते हो पृथ्वी पे, इसका संसार अलग है, मैंने बोला था। यार कोई लोकेशन नहीं मिली, अब मैं क्या करती। और तुम भी तो फोन पे लगे हुए थे जब भाई मैंने ना मतलब हम घूम रहे थे, उसके बाद है ना रील बनाने की सोची, फिर थोड़ा अंधेरा हो गया था तो रील एक बनाई थी मैंने, एक दो यूट्यूब पे डाली है तो वो थोड़ी ब्लर बन रही थी, इसलिए फिर मैंने बनाई नहीं। तो सारा दोष तुम्हारा है, मेरा नहीं। ये हमारे चोरी के आम है, चोरी के नहीं। लड़के को भेजा था हमने अपने, हाँ जाके वहां से चोरी कर तोड़ के लाओ, आम का आम वाला आ जाएगा तो भाग लेना, पीटे तो हमारा नाम ले लेना। कल वो भी तो कह रहा था ना दुकान पे, जो है लड़का दुकान वो नींबू लेकर आऊंगा, इन्होंने बोला कि पकड़ा जाए तो भाग जाइयो। नहीं वो कहता कि भैया कोई कुछ नहीं कहेगा, मगर नहीं कहेगा तो सही, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी नहीं है, पकड़ा गया था। तो यही है यार, मजा तो यही है, बचपन में सभी करते हैं, बचपन में तो सभी करते थे ये। हमारे यहाँ आते थे शहतूत तोड़ने बहुत बच्चे, पर हम नहीं रोकते थे, खैर हम तो कहते थे उठा ले जाओ। शहतूत की कीमत नहीं होती ना इसलिए मान नहीं, शुरू में तो होता था, शुरू में जब नया नया लगा था ना, जब तो जान ले जाने देते थे, जब तो होता था कि सारे उठा के रख लो, फिर बाद में वो हो गया ना मन भर गया, उसके बाद की ला ले जाओ सारे। तो बस यही था, अब हमारी ये चलती रहेगी तू तू मैं, ये प्यार मोहब्बत वाली होती है जो हर पति पत्नी की होती है। तो बस मीठा है ना, हाँ मीठा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और बताइए हमें कैसे लगता है हमारा कैसे लगते हैं हम लोग और क्या इम्प्रूवमेंट करें, सारी चीजें बताइएगा। रील्स देखिएगा हमारी, अब तक जिसने नहीं देखी है, इंस्टाग्राम की आईडी मैंने डाली हुई है यूट्यूब पे, तो आप वहाँ जाके क्लिक करिए लिंक पे और जाके इंस्टाग्राम पे हमारी रील्स देखिए जो आपको पसंद आए, और यूट्यूब पे शॉर्ट्स भी डाली हुई है, तो आप ये सारी चीज़ें देखिए, मैं रोज़ बताती हूँ ताकि कोई नया सब्सक्राइबर आए और वो देख रहा हो, तो उसके लिए ये चीज़ें बता रही हूँ मैं। और खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। हाँ जी, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।